न्यूट्रल है। जैसे बोलते हैं यार इनके साथ भाईबंदी, हम बोलते हैं कि कश्मीर वालों के साथ भाईबंदी होती है, उनको सब कुछ मिल जाता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, ये चूनबा अच्छे थे, इन्होंने तकरीबन जब मैंने फोटो देखा रोड में गया था, मैंने देखा ऐसे ऐसे अच्छे अखरोट लगे हुए हैं, आज की डेट में भी ऐसे ऐसे सेब लगे हुए पेड़ों के ऊपर। जब मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक रुपया नहीं मिला है इसका। इन्होंने बड़े बड़े कौशल में बहुत अच्छी गायें रखी, इन्होंने ये पनीर बनाते हैं घर में, क्या जब ये बना सकते हैं हम दूसरा नहीं कर सकते हैं? हमारे पास क्या अपने को, हम सिर्फ पे डिपेंड किस पे हैं? ब्लॉक का काम एमजीनियर का काम आएगा, अशफाक साहब को पकड़ लूंगा, रजनी सर को आएंगे, मेरे पैसे नहीं सर, क्या हम मनरेगा पे कितना डिपेंड रहेंगे? अब हमने ये दिमाग लगाना है कि मैं किस प्रकार से अपना इनकम बढ़ा सकता हूँ। जरूरी नहीं है हर बंदे को नौकरी कहां से मिलेगी, पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। जितना भी पढ़े एमए बीए, पहले बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते थे, एमए बीए बीएड एमएड पीएचडी करके बच्चे बैठे हैं, किसको नौकरी मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमने सोचना हम अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, गाय अच्छी गाय पाल सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? अगर पनीर बनेगा गांव में ही भी बिक्री हो जाएगा, दूध अच्छा निकालेगा उसको बिक्री करके बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बोला, मैंने पता नहीं कितना 5-6 लाख रुपए में खर्चा किया शेड की तरह, वो कौ शेड बनाया है, जबकि हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं जब जहां से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब हमें जानकारी नहीं है। खाली एक उदाहरण दे रहा हूं इसका, हमारे पास वाटर कन्वर्जन के एक वाटर शेड डिपार्टमेंट है हमारे साथ चल रहा है टाउगत पंचायत में, बहुत सारी स्कीमें जहां से हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीमें जहां पे हम वाटर हार्वेस्ट टैंक बना सकते हैं, उसके लिए प्लांट बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो जब उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस आदमी को जरूरत है, जहां पे जिस इलाके में उसकी जरूरत है, हम प्लान में दे देंगे वाटर शेड वालों के पास। अगर उस एरिया में वाटर शेड की स्कीम ऑथराइज है, वो एरिया उसमें फाल करता है, तब उसका उसकी मदद से उसको वो काम दिला सकते हैं। लेकिन वो दिलाएंगे कब? जब हमें जानकारी होगी। जो आपने मेंबर बनाया आपके पंच को, उसकी जानकारी होगी। जब यहाँ पे ग्राम सभा होती है, आप ग्राम सभा में आओगे, सरपंच तो हर बंदे में के पास नहीं जा सकता ना गांव में बताने के लिए। मैं ज्यादा करता हूँ, मैंने बोला था जो पंचायती राज नया, जो पंचायती राज स्थापित हुआ है, इसमें कल्याण इंस्ट्रक्शन है, पंचों को मैं हर बार बोलता हूँ, वार्ड मजलिस 2 बार महीने की होगी गाँव में, अपने वार्ड के अंदर वार्ड मेंबर आएगा, गाँव के लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने इस पॉइंट पे डिस्कस करेगा, और सेम 2 बार महीने में सरपंच पंच और पंचायत सेक्रेटरी बैठ के डिस्कस करेंगे। उसमें भी थोड़े बहुत कुछ लोग चाहे जो आ सकते हैं। उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें होती, मैं इनको बताता हूँ, ये इस आदमी के लिए ये बाथरूम इनको मिला है, राशन कार्ड की ये लिस्ट है, इनके लिए पीएमओआई इनके नाम है। जब मैं इनको बताता हूँ, ये इनको काम है आगे आप लोगों को बताना, ये आप लोगों को तभी बताएंगे जब आप लोग वहां पे आओगे। आज भी देखो आप कितने आदमी यहाँ पे, कितने डिपार्टमेंट पहुंचे, मोदी साहब ने कितनी तगड़ी स्कीम लगा रखी है, यहाँ पे सब लोग बैठे, तहसीलदार साहब बैठे हैं, इनको 3 दिन हो गए यहाँ पे, और हम अपने किसके लिए आए हैं? हमारे लिए, हम सबके लिए आए हुए हैं, और हम अपने लिए जानकारी हासिल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम है अपनी बताने के लिए, अपनी मुश्किलात बताने के लिए भी यहां तक नहीं आ पाते हैं। मैंने बोला था कम से कम माताएं बहनें आज तक 50-100 होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्या माताओं बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हमने दिमाग में बिठा रखा कि हमें तो होना कुछ नहीं है, अगर ये मान के चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंने कल भी अपनी तरफ से पॉइंट दिए थे, कल पंचों ने सुना होगा जो मैंने पॉइंट दिए थे, उसके अलावा अगर किसी का पॉइंट होगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने अनुशासन को नहीं तोड़ना है। जिंदगी में जिस आदमी के पास अनुशासन है वो कहीं भी सफल हो सकता है। अगर हम ऐसे बेतरतीबी काम करेंगे तो हम अपना जो मुद्दा है हमारे यहाँ पे वो हल नहीं करेंगे, शोर शराबा होगा, हल्ला गुल्ला होगा, चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। और एक बार आप सबसे फिर निवेदन है कि जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी डिपार्टमेंट आता है, वो डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, उनको इंस्ट्रक्शन होती है भारत सरकार की तरफ से, वो आते हैं आप लोगों तक, आप लोगों हम लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए। हम लोग जब आप तक आते हैं ताकि आप लोगों को हम कुछ दे सकें, गवर्नमेंट की सुविधा हम ले सकें, लेकिन जब हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन ही नहीं देंगे, अपना यहाँ पे उपस्थिति नहीं होंगे, तो हम बताएंगे किसको? तो मेहरबानी करके अगला जब भी होगा, जितने आप लोग आए हैं, आपका आपने अपना टाइम निकाला, आपके लिए धन्यवाद, लेकिन आपने दूसरों को बताना है कि भाई साहब जब ग्राम सभा होती है वहां पे जाइए, आपको पता चल जाएगा, 10 बातों का पता चलेगा यहाँ पे,
जब आप यहाँ पे आओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। आज आपकी कोई भी सुविधा तकरीबन जो यहाँ पे गांव के डिपार्टमेंट है हमें काम करने वाले यहाँ पे प्रेजेंट है, आप एक एक आदमी खड़ा होकर अपना बोल सकते हैं, उसका डिसीजन लेंगे। अगर मेरे से कुछ जवाब होगा, जो मैंने कुछ बताना होगा, मैं आपको अंत में उसका जवाब भी यहीं दे दूंगा। एक बार फिर रमेश बाबू सर का और आपकी टीम जो आपके साथ में आई है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप इससे भी ज्यादा आ जाएंगे और जो जो बातें आपको बताएंगे आप उनका फायदा उठाएंगे, अपने जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे, अपने गाँव की भलाई के विकास के लिए सोचेंगे, अपने इलाके के विकास के लिए सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।